बालक यीशु की आपका सबों को जय यीशु। बालक यीशु के जन्मोत्सव की तैयारी करने के सुंदर समय में हम तीन ज्ञानी राजाओं के बारे में थोड़ा विचार करें। पूर्व के तीन ज्ञानी राजाओं के बारे में हम बाइबल में सुसमाचार में संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से बारे में पाते हैं। यह प्रभु प्रकाश पर्व से जुड़ा हुआ है। सदियों वर्ष पहले मुक्तिदाता के जन्म के बारे में नबियों द्वारा की गई भविष्यवाणी इन ज्ञानी राजाओं के अंतरात्मा में गूंज रही थी। युगों से सारी दुनिया मानव जाति आने वाले मुक्तिदाता की प्रतीक्षा कर रही थी। जब ज्ञानी राजाओं ने पूर्व में एक अनोख तारा उदित होते हुए देखा तब उन्होंने विश्वास किया कि एक अपूर्व तारा आने वाले मुक्तिदाता के जन्म की ओर संकेत करता है। वे अपनी आध्यात्मिक जागरूकता के कारण तुरंत ही नवजात राजा की खोज में निकलते हैं। वे नन्हे राजा को ढूंढते ढूंढते यरूशलेम पहुंचते हैं। यरूशलेम पहुंचकर वे राजा हेरोद के राजमहल में जानकारी लेते हैं। राजा हेरोद की आज्ञा अनुसार वे बेतलेहम जाने के लिए निकले तो वो अनोखा तारा फिर उन्हें दिखाई देते हैं, पद प्रदर्शन करता है। वे तारा को देखते देखते चले। तारा जब एक गौशाला के ऊपर जाकर ठहर गया तब वे गौशाला में माँ मरिया और सेंट जोसेफ के बीच चरनी में लेटा हुआ बालक यीशु को पाते हैं। बिना कुछ संदेह किए वे तुरंत उनको अपना राजा मानकर उनको दंडवत करते हैं, आराधना स्तुति करते हैं। वे मुक्तिदाता ईश्वर बालक यीशु पर पूर्ण विश्वास करते हैं। उनको अपना राजा मानकर उन्हें सोना, ईश्वर मानकर लोहपान और सच्चा मानव मानकर गेंद्रेस बेंड चढ़ाकर अपने आप को संपूर्ण समर्पण करते हैं। मुक्तिदाता को देखने के लिए बहुत संघर्ष करके लक्ष्य तक पहुंचते हैं। कोई भी उन्हें उससे विचलित नहीं कर सकते। उनकी प्रतीक्षा, विश्वास, दृढ़ संकल्प और साहस प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। देवदूत द्वारा मिले दिव्य दर्शन को वे पूरा अनुसरण करते हैं। वे दूसरे रास्ते से अपने अपने देश लौटते हैं। राजा हेरोद के पास फिर नहीं जाते, जिसके कारण राजा हेरोद की बालक यीशु को मार डालने की योजना विफल हो जाती है। मुक्तिदाता बालक यीशु से मिलने के बाद उनमें स्थायी परिवर्तन आता है। उन्हें एक अलौकिक आनंद, दिव्य शांति और अभाव में खुशी मिलती है। इन तीन ज्ञानी राजाओं के मुक्तिदाता राजा यीशु की खोज से हमें ये संदेश मिलता है, ईश्वरीय प्रेरणा पर बिना संदेह किए तुरंत अनुसरण करना चाहिए। अपनी इच्छा, सुख संतोष, सुख सुविधा त्याग करते ईश्वर को पाने के लिए उसको ढूंढना चाहिए। कभी भी इसे पीछे हटना नहीं चाहिए। ईश्वरीय शांति, खुशी, आनंद स्वयं अनुभव करते हुए अवरों को भी बांटना चाहिए, यीशु की साक्षी बनना चाहिए। सबों को हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर।